उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल के साथ हुई टेरर किलिंग मामले में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पायलट समर्थक माने जाने वाले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद और कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश के बीच सोशल मीडिया पर एक बार फिर सियासी तलवारें खिंच गई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के ट्वीट को रीट्वीट कर जमकर एक दूसरे पर सियासी बाण चलाए। दरअसल उदयपुर में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक ट्वीट पर आचार्य प्रमोद ने सवाल खड़े कर दिए। आचार्य प्रमोद ने प्रश्न करते हुए पूछा कि धमकी मिलने के बावजूद भी कन्हैया को सुरक्षा उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई? हत्यारों के साथ साथ पुलिस और प्रशासन भी बराबर का दोषी है। एसएसपी और डीआईजी के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आचार्य प्रमोद को नसीहत दे डाली। जयराम रमेश ने कहा कि दूसरी बार लक्ष्मण रेखा पार करने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए था। जो आपने लिखा है वो वैसे भी तथ्यों से परे है। इसके बाद जयराम रमेश पर आचार्य प्रमोद ने पलटवार किया। आचार्य प्रमोद ने कहा कि कन्हैया के लिए आवाज उठाना राष्ट्र धर्म है प्रभु। राष्ट्र धर्म का निर्वहन करने से किसी को रोकने की चेष्टा राष्ट्रद्रोह कहलाता है। दरअसल जयराम रमेश ने दूसरी बार लक्ष्मण रेखा लागने का इसलिए भी जिक्र किया था क्योंकि पिछले दिनों महाराष्ट्र प्रकरण को लेकर आचार्य प्रमोद ने एक ट्वीट किया था जिस पर जयराम रमेश ने उनके कांग्रेस से ताल्लुक न होने की बात कही थी। साथ ही उनके विचारों से कांग्रेस पार्टी के विचार अलग बताए थे। जयराम रमेश ने कहा था कि आचार्य प्रमोद के विचार पार्टी के नहीं है। गौरतलब है कि आचार्य प्रमोद को प्रियंका गांधी का बेहद करीबी माना जाता है और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के कट्टर समर्थकों में वे शुमार होते हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर वक्त बेवक्त आचार्य प्रमोद ट्विटर के जरिए सवाल खड़े करते रहे हैं। अब एक बार फिर उदयपुर टेरर किलिंग को लेकर सवाल खड़े करने पर सियासी रार खिंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।